दरोड़ा पड़ा है। तपास अंत मोटा पाये बेनामी व्यवहार मळे तेवी शक्यताओ व्यक्त थई रही छे। तो वडोदराबाथी जे प्रकारे इन्कमटेक्स विभागनी कारवाईना समाचार अत्यारे मळी रह्या छे, मोटा पाये बेनामी व्यवहारो पण आवी शके छे सामे। वडोदराथी अमारा संवाददाता अंजलि ओझा वधु जानकारी साथे जोडाई गया छे। अंजलि, क्या ग्रुप पर तवाय बोलावामां आवी छे, शुं माहिती स्थळ परथी सामे आवी रही छे? बिल्कुल, जब रीते बात करें कि गुजरात में लांबा समय बाद जयरे आईटी विभाग द्वारा ऑपरेशन सर्च हाथ धरम है, तरह बड़ोड़ा इन्कमटेक्स विभाग द्वारा मोटा बिल्डर ग्रुप पर तपास कर वडोदरा नामांकित बिल्डर निलेष शेठ और सोनक शाह सहित भागीदारों ने त्या इन्कमटेक्स अधिकारी द्वारा हाल तपास शुरू कर रही है। मानवा रही है कि आ तपास अंत मोटा पाये बेनामी व्यवहारों मिली शे ती संभावनाओं व्यक्त कर उल्लेखनीय बाबत यह है कि वडोदरा शहर एक डजन की स्थलों पर आ प्रकारे आईटी विभाग द्वारा दरोड़ा पाड़वामां आव्या छे, तपास शुरू करवामां आवी छे। महत्वनुं ए पण छे के आ बिल्डरो छे तेओनी साथे केटलाक मोटा राजकारणीओ पण आ तमाम जे साइड छे तेनी अंदर भागीदार छे, त्यारे क्यांक तेओनामां पण चिंतानो माहोल सर्जायो छे। उल्लेखनीय बाबत ए छे के ज्यारे दिवाळीनो समय नजीक छे, आगामी थोड़ा दिवसों अंदर जयरे दिवाड़ी त्यौहार शुरू थवा जई रह्यो छे, दिवाड़ी पहला ज आ प्रकार आईटी विभाग द्वारा सर्च ऑपरेशन हाथ धराता बिल्डर लॉबी में क्या चिंता मोजू फरी वळ्यु छे। बीजी तरफ जे प्रकार आईटी विभाग द्वारा तपास हाथ धरवामां आवी छे, वडोदरा शहरना एक डजन थी पण वधारे स्थळों पर बे बिल्डरोना जे तमाम साइटो चाली रही छे तेओनी जे ऑफिस छे आ तमाम जग्या पर इन्कमटेक्स विभाग द्वारा हाल तपास करवामां आवी रही छे अने तपासना अंते मोटा पाये बेनामी जे व्यवहारो छे ते मळी आवे तेवी पण शक्यताओ व्यक्त करवामां आवी छे। એટલે કહી શકાય કે જે રત્નમ બિલ્ડર્સ છે હાલ ત્યાં આગળ હાજર છે કે જ્યાં આગળ આઈટી વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા પોલીસને સાથે રાખીને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। આજે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ અનેક મોટા પ્રમાણમાં બેનામી વ્યવહારો મળે તેવી પણ શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, ત્યારે આ તમામ બિલ્ડરોની સાથે કેટલાક રાજકારણીઓ પણ તેઓની સાઇટમાં ભાગીદાર હોય ત્યારે તેઓમાં પણ એક ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે। ત્યારે હવે જ્યારે તપાસ પૂર્ણ થશે ત્યારે કેટલાના બેનામી વ્યવહારો મળ્યા છે તે ત્યારબાદ જ જાણવા મળી શકે તેમ છે। જી બિલકુલ અંજલિ, આગળ પણ આપની પાસેથી અપડેટ મેળવીએ છીએ। અમારા સંવાદદાતા જે પ્રકાર જણાવી રહ્યા છે તે અનુસાર સંપૂર્ણ વડોદરામાં અત્યારે લગભગ ડઝનેક જગ્યાઓ એવી છે કે જ્યાં આઈટી વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે।